नमस्कार, मैं सुलक्षणा पाटिल, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बने रहिए हमारे साथ, चलिए देखते हैं आज की खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में ऑल इंडिया एंटी क्राइम एंड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की समीक्षा बैठक में अनुपम चौहान जी को उनकी कार्यशैली के आधार पर राष्ट्रीय कोर कमेटी व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार रोहेला जी के सहमति से उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सचिव पद के कार्यभार की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही चौहान जी ने अपने पद की गरिमा बनाए रखने की बात भी कही। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारनपुर। अनुपम चौहान, आई एम वेरी हैप्पी टू प्रमोट द अनुपम चौहान इन फेवर ऑफ एंटी करप्शन। आई थैंक्स टू यू। मेरे देशवासियों, हमारी ऑल इंडिया एंटी क्राइम एंड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, राष्ट्रीय कोर कमेटी की ओर से एक हमने जो है पदोन्नति की है अनुपम चौहान जी की, जिन्हें उत्तर प्रदेश में हमने जो पद था इनका, उस पद से पदोन्नति दे करके प्रदेश में प्रदेश का प्रशासनिक सचिव के रूप में पद दिया है इनकी कार्यशैली को देखते हुए और इनके अथक प्रयासों से अच्छे अच्छे काम समाज में देखने को, और हम लोग भी देखते ही हैं कि ये बहुत मेहनत करते हैं गरीबों व एसआईओ के लिए और भ्रष्टाचार के और अपराध के खिलाफ हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ऐसी भावनाएं और उनकी विवेक और विचारों को देखते हुए हमने पदोन्नति का वो आह्वान किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार रोहेला जी की सहमति से ऐसा हुआ है। धन्यवाद। आज जो है जनपद सहारनपुर में यह समीक्षा बैठक के दौरान पाया गया कि मिस्टर अनुपम चौहान जी ने जनपद सहारनपुर में पिछले कई वर्षों से काफ़ी यह सराहनीय कार्य जनहित में किए हैं, उसे देखते हुए हमारी ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने ये डिसाइड किया है कि मिस्टर अनुपम चौहान जी को पदोन्नत कर प्रदेश प्रशासनिक सचिव उत्तर प्रदेश के पद पर विभूषित किया है और इनसे आशा की जाती है कि भविष्य में संपूर्ण भारतवर्ष में ऑर्गेनाइजेशन का विस्तारण करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से गरीब असहाय पीड़ित लोगों की मदद के लिए कार्य करेंगे और पद की गरिमा बनाए रखेंगे। इसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं अनुपम चौहान एंटी क्राइम एंटी करप्शन में पिछले लंबे समय से सेवा दे रहा हूँ। हमारे अध्यक्ष राजकुमार रोहेला जी और ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से मुझे पदोन्नति दी गई और प्रदेश प्रशासनिक सचिव उत्तर प्रदेश का कार्यभार मुझे दिया गया। मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है क्राइम और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी, क्रांति छेड़ रखी, जिसमें प्रशासन का सहयोग हम करते हैं और प्रशासन का सहयोग हम लेते हैं, उसके तहत मैं इस कार्यभार को बहुत जिम्मेदारी के साथ तहे दिल से निभाऊंगा, निर्वाह करूंगा और जो कमज़ोर असहाय लोग हैं उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। ऑर्गेनाइजेशन के जो नियम कानून हैं उनका अनुशासन के साथ पालन करते हुए अनुशासित तरीके से मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करूँगा और अपने ऑर्गेनाइजेशन का के विकास में एक अच्छा भागीदार साबित होऊंगा। जय हिंद, नमस्कार।